हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, सभी लेवल्स को बिल्कुल टेक्निकली देखेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर के ऊपर। अगर बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में, आज हम लोगों को तकरीबन 3.25% का गिरावट देखने को मिला। मॉर्निंग सेशन से लेके आपको सेकेंड हाफ के 3 PM तक ऑलमोस्ट स्टॉक जो है प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। कंटिन्यूसली सेम लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, साइडवेज ट्रेड कर रहा था। फाइनली आपको एक ब्रेकडाउन हुआ है 250 के बाद, उसके बाद स्टॉक ने रीटेस्ट किया 310 में, और अगेन उसके बाद हम लोगों को इस स्टॉक में एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। अगर याद होगा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यूज था जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1500 करोड़ का आपको फंड रेज करने वाली है थ्रू बॉन्ड्स इशू करके 1500 करोड़ का आपको फंड्स इशू करने जा रही है बैंक। इसी वजह से अपर सर्किट जरूर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस डिस्कशन में भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अभी इस स्टॉक में बाइंग नहीं करना है। और आज अगर देखेंगे तो क्लियरली प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के इस कंप्लीट मूव को इस स्टॉक ने इंगल्फ कर लिया है, और यहाँ पे वापस से हम लोगों को एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एक शार्प फॉल देखने को मिला, वापस से पुल बैक हुआ, अगेन यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब अगर बात करेंगे इस स्टॉक में जो फॉल होना स्टार्ट होगा, तो सबसे पहला जो इस स्टॉक के लिए सपोर्ट होगा 28 का लेवल होगा, क्योंकि रिसेंट स्विंग लो आपको सेम लेवल पे है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है स्टॉक को सपोर्ट मिलना चाहिए, इस लेवल पे जो है आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को 25 का लेवल और फिर उसके नीचे 20 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए पहले स्टॉक को इस स्विंग लो को ब्रेक करना होगा। ऊपर की साइड मोमेंटम कब पॉसिबल है, सपोज यहां पे फॉल आ रहा है, और अगर इस स्विंग लो से सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है, तो फिर ऊपर की साइड वापस से हम लोगों को 41-42 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो डेली चार्ट पे अभी भी जो है हम लोगों को यहाँ पे वेट ही करना है अगर बाई साइड के लिए ट्रेड लेना है, क्योंकि अभी भी बाइंग सिग्नल इस स्टॉक में नहीं आया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली आपको डिस्कशन किया था जो यहाँ पे आपको वापस से सेलर से डोमिनेट कर सकते हैं, इसलिए अभी वेट करना चाहिए, और आज सेलर्स ने यहाँ पे डोमिनेट किया है। अब अगर वापस से यहाँ पे बायर्स आएंगे तो फिर हम लोगों को उसके बाद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बट करेंट चार्ट सेटअप को देखते हुए अभी यहाँ पे बाइंग का कोई भी पोजिशन, आपको फ्रेश पोजिशन अभी हम लोग नहीं बना सकते हैं। बात अगर करेंगे मंथली चार्ट के ऊपर, तो मंथली चार्ट में स्टॉक में क्लियरली हम लोगों को एक अपर वीक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है 40 के लेवल से। तकरीबन अगर बात करेंगे तो स्टॉक में ऊपर के लेवल से 50% का वीक है, अपर वीक है, जो कि क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है जो 30-40 के रेंज में इस स्टॉक के पास एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो जब तक यहाँ पे बायर्स इस सेलिंग प्रेशर को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तब तक इस स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, और यही रीजन है जो हम लोग वेट करेंगे। स्टॉक आपको 38 के लेवल के ऊपर अगर मंथली कैंडल क्लोज करता है, तभी इस स्टॉक में आपको अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अभी मंथली कैंडल को क्लोज होने में ओनली 2 ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है, तो आपको वेट करना चाहिए। 38 के लेवल के ऊपर अगर क्लोज होगा तभी एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा, नहीं तो इस स्टॉक में वापस से स्टॉक जो है कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। अगर 38 का लेवल ब्रेक करके स्टॉक क्लोज दे देता है मंथली बेसिस पे, तो मंथली कैंडल भी क्लोज होगा, साथ ही साथ वीकली कैंडल भी क्लोज होगा, तो नेक्स्ट टारगेट इस स्टॉक में जो है आपको 65-70 का लेवल हो सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।